Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पेड न्यूज़ और मैं आ गया हूँ आंगनबाड़ी के लिए। काफ़ी बड़ी खबरें जो आ रही हैं आज मैं आपको बता देता हूँ। वह खबरें तो नहीं बट एक खबर ज़रूर है क्योंकि आंगनबाड़ियों के यूपी को लेकर है। अगर आप यूपी से अलग न्यूज़ देखने आए तो यहाँ पे आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर अगर आप कमेंट में मुझसे सवाल पूछे क्यू एन ए वीडियो में तो मैं उसका सवाल आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो आप लोग सवाल ज़रूर पूछते रहिए करिए कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले खबर आ रही है, ये आ रही है कि आंगनवाड़ियों का वेतन होएगा 8500। जी हाँ, पहले 8000 का वो आ रही थी खबर कि 8000 वेतन आंगनवाड़ियों का होगा, बट अब जो खबर आ रही है वो आ रही 8500 की। अब ये 8500 किस तरह से खबर आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं हम लोग, सरकार ने प्रोत्साहन राशि 500 रुपये बढ़ा दी है, जो कि आप सभी को पता होगा और मैं वो आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ सामने, तो देख सकते हैं आप लोगों सामने न्यूज़पेपर इजीली, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह देख सकते हैं प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई आंगनवाड़ियों के लिए, आंगनवाड़ी पुलिसकर्मियों के लिए। तो हम यहाँ पे आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं, तो देखिए 8000 जो पहले मानदेय बढ़ गया था, बढ़ेगा मतलब, क्योंकि आंगनवाड़ी मानदेय अभी तक बढ़ाया नहीं गया है बट बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। अभी भी मैं कुछ चैनल्स कह रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा, हार मान जाओ, तो ये हार मानने वाली पहली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि योगी सरकार में ही आंगनवाड़ियों का वेतन बढ़ेगा और ये आप लिख के ले लीजिए। तो और मैं आप प्रोत्साहन राशि बढ़कर उनको बढ़ाना ही ना होता तो प्रोत्साहन राशि क्यों बढ़ाते। पर यहाँ पे एक काफ़ी बुरी बात है कि प्रोत्साहन राशि सिर्फ कुछ ही आंगनवाड़ी को मिलेगी, पर यहाँ पे आंगनवाड़ी का वेतन 8500 होने वाला है, जो कि आंगनवाड़ियों के लिए अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। और अभी भी चांसेस हैं कि आंगनवाड़ी का वेतन जनवरी माह यानी 2019 के पहले महीने में बढ़ जाए। तो अब पहले महीने में बढ़े या ना बढ़े, लेकिन यहाँ जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है उससे आंगनवाड़ी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और यहाँ पे 8500 वेतन होएगा। जी हाँ, मैं आप बता दूँ 8500 तो होएगा ही होएगा, आप ये बात मान लें, पर यहाँ पे एकदम मैं कह नहीं सकता हूँ कि एकदम होएगा, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने अभी तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। यहाँ बता दूँ कि सरकार ने कुछ भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है इसके बारे में। और आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछें, मैं बेझिझक उसका जवाब दूंगा आप सभी को। आप लोग बिना कोई चीज़ सोचे भी आप सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर ज़्यादा हुआ तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।